अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। बड़ी खबर मेरठ के मुख्य बाजार आबुलेन से आ रही है, जहां एक जूते के शोरूम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने की प्रयास कर रही है। घटना मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र के आबुलेन चौकी के पास की है, जहां जॉन शूज नामक एक शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। आग इतनी भीषण है कि उसकी लपटें दूर दूर तक देखी जा सकती है। इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आसपास के शोरूम के मालिक भी घबराए हुए हैं। दमकल विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने के लिए दूसरी बिल्डिंग पर चढ़कर पानी से आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि घनी आबादी वाले क्षेत्र में बने शोरूम के पास फायर एक्सटिंग्विशर की कमी देखने को मिली। बता दें कि आग में लाखों का माल जलकर राख हो गया है। अभी तक किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। आग लगी, क्या पूरा मामला किस तरीके? ये आबुलेन में है और लकड़ी का उसका जूतों का जोन्स नाम से शोरूम है। इसमें फोर्थ और थर्ड फ्लोर पे आग लगी। फोर्थ फ्लोर से स्टार्टिंग हुई है और थर्ड फ्लोर तक आग पहुंच गई है। और फायर सर्विस की काफ़ी गाड़ियां और फायर सर्विस कर्मी युद्ध स्तर पर कार्य करके आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी हद तक आग को काबू पा लिया गया है। लगभग 6 गाड़ियां मौके पे हैं जो आग बुझाने में लगी हैं। अभी कोई आकलन नहीं है, अभी आग बुझाई जा रही है, उसके बाद ही आकलन होगा। आग बुझाने में किन परेशानियों का दिक्कत सामना? एक्चुअली में फायर सर्विस को जाने के रास्ते नहीं हैं, जिस वजह से जाने में प्रॉब्लम हो रही है। अगल बगल की बिल्डिंग और बी एस एड पहनकर कर्मचारी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह, अध्यक्ष आबुलेन व्यापार संघ। नहीं, ये कुछ नहीं पता लगा अभी। अब इसके जांच होगी, फायर उससे लगी है, शॉर्ट सर्किट से लगी है या कैसे लगी है। पुलिस बढ़िया काम कर रही है, एकदम पूरा कंट्रोल में कर लिया इन्होंने। गाड़ियां भी आ गई हैं एकदम। हम इनका वो करते हैं कि भाई बहुत जल्दी इन्होंने कार्रवाई करी है और ट्रैफिक रोकने का सबसे बड़ा अच्छा। लेकिन एक जो डिवाइडर बीच में लगे हुए हैं, इस डिवाइडर की वजह से ना गाड़ियाँ अंदर आ पा रही हैं, ना गाड़ी जल्दी जा पा रही है। अभी तो इसका आंकलन लगा सकते हैं। जॉन शूज के नाम से है दुकान। अनिल अनिल। इस खबर में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।